हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैसे तो यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए कल के स्टॉक के बारे में बात करूंगा कि कल कौन सा स्टॉक अच्छा मूव करेंगे जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप मिनिमम क्वांटिटी से काम कर सकते हैं, जितना आपके पास कैपिटल है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना छोटा छोटा क्वांटिटी भी ले सकते हैं और 200-500 प्रॉफिट भी आराम से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन और आपके लिए लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसे बुक्स वगैरह भी डालता हूँ। तो आप एक बार जरूर चेकआउट करें और इस वीडियो के बाद आप ये स्ट्रैटेजी जरूर देखें जो मैंने डाल रखी है, बैंक निफ्टी 5 स्ट्रैटेजी। ये मैंने आज आपके लिए डाला है, एक दिन पहले डाला है, बाय सेल सिग्नल बेस्ट इंडिकेटर, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजी डाली हुई जो पेड कोर्स में आपको सिखाया जाता है, वो मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा SBI कार्ड। SBI कार्ड आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट फेस कर रहा है, और आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम इसके अंदर आया हुआ है, इसमें कितना वॉल्यूम आया हुआ है। मतलब जब हमारा सेशन था 22 मार्च को, तो ये कोशिश यही है, इसका रेजिस्टेंस ये ब्रेक नहीं करेगा तो ये नीचे ही डाउन करेगा। तो आप कोशिश कर रहे हैं सेल साइड इसमें ज़्यादा बनना, जैसे भी जहाँ भी ब्रेक करता है तो आप बाय और सेल कर सकते हैं। बाय प्राइस जो हमारा रहेगा 828 रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 822, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 832 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 836। अगर ये स्पोर्ट को ब्रेक करता है और ये डाउन की साइड जाता है, देखो वॉल्यूम बहुत हाई है, बेरिश है पूरा का पूरा SBI कार्ड, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो लोअर, ये पूरा का पूरा यहाँ से देखो कितना मार रहा है, ये लोअर लो कर रहा है, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखना, जो सेल्स हमारा जो सेल साइड का जो प्राइस जो रहेगा 804 रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 799, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 809 रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 814, ठीक है। जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है हमारा JSW एनर्जी। आप इसे देख सकते हैं ये पूरा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ ये पूरा सपोर्ट है। तो जो भी ये ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करे तब आपको बाय करना है, सपोर्ट को ब्रेक करे तो आपको सेल करना है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो आपको बाय करना है। बाय प्राइस क्या रहेगा हमारा 355 रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 350, टारगेट रहेगा हमारा रहेगा 360 और सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 364। सेल साइड जो हमारा रहेगा 342, स्टॉप लॉस रहेगा 348 और टारगेट रहेगा हमारा 337 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 332। जो थर्ड स्टॉक है हमारा वो है HCL टेक्नोलॉजीज। आप इसे देख सकते हैं ये भी एक प्रॉपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल फेस कर रहा है, तो जहां भी ये ब्रेक करता है वहां पर आपको बाय साइड प्लान करना है और सेल साइड प्लान करना है। बाय साइड प्लान का क्या करना है, कौन सा प्राइस रहेगा, 113.5 हमारा बाय प्राइस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 113.0, टारगेट रहेगा हमारा 114.0, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 114.4, ठीक है। अगर ये सेल साइड जाता है तो हम 108.0 पर हम इसे सेल कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 108.5 रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा 8.076 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 8.072। मतलब आप 400-500 रुपये आप इनफ है आपके लिए, आप आराम से इसमें अर्न कर सकते हैं। जैसे आप क्वांटिटी लोगे, 100 क्वांटिटी मिनिमम लोगे तो 500-700 रुपये का आपका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न हो सकता है। जैसे जैसे क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से आप प्रॉफिट कर सकते हो। यहाँ पे एक देख सकते हो ये पूरा, ये एक जैसे कप, एक सेकेंड रुको मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, एक से ये देखो पूरा यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा स्पोर्ट लिया, पहले यहाँ पर ये स्पोर्ट लिया, उसके बाद ये दोबारा ना कप विद हैंडल बन गया यहाँ पर, देखो ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये पूरा कप विद हैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर बाय साइड प्लान करेंगे, सेल साइड ये मुश्किल जाएगा, फिर भी मैंने आपके लिए सेल साइड के लिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कौन से लेवल होंगे, मतलब क्या प्राइस रहेगा, तो ये ऊपर ही जाएगा, तो इसे एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो बाय प्राइस जो रहेगा हमारा 166 रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा है 161 रहेगा, टारगेट रहेगा 169 और सेकंड टारगेट रहेगा 172। अगर ये नीचे बाई चांस ब्रेक करता है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आजकल ऐसी है, मार्केट बहुत बेरिश हो रही है, मार्केट अचानक सडनली मूव कुछ भी कर रही है क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, तो आप इसको सेल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे जाता है तो, इससे नीचे जाता है तो वैसे मुश्किल है, अगर जाता है तो आप यहाँ पर सेल साइड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप सेल जो साइड साइड रहेगा हमारा, जो प्राइस रहेगा 161 रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 165, टारगेट रहेगा हमारा
157 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 154। तो आप इसे प्लान कर सकते हैं। आप मेरे को वीडियो में आप दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि अगली वीडियो में कैसे बनाऊं आपके लिए, स्विंग ट्रेड के लिए बनाऊं, किस बेस पे कौन सी स्ट्रेटेजी बनाऊं, क्या वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो किस किस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के बाद आप ये ज़रूर चेकआउट कर लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच।